कुछ ही दिनों पहले अमरनाथ गुफा तक एक नई सड़क पहुंचाई गई थी, जिससे कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही आसानी और बहुत ही बड़ी दिक्कतों से परेशानियों से छुटकारा मिला था। पर अब आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक और बड़ी व्यवस्था लाई जा रही है। जी हाँ, अमरनाथ गुफा तक रोपवे को मंजूरी मिल चुकी है। अमरनाथ गुफा तक अब लगने जा रहा है रोपवे। आप सभी को इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कि अमरनाथ गुफा तक कब तक ये रोपवे प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके चार्जेस क्या रहेंगे, कहां से कहां तक ये पवित्र गुफा के लिए रोपवे लगेगा। आप सभी को बताते चले कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि पिछले साल ही आप सभी को पता होगा बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से सड़क पहुंचाई गई थी, वहीं इस वर्ष एक और नई DPR बनकर तैयार हो गई है। जी हां, आप सभी को बताते चले कि अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 9 किलोमीटर का नया रोपवे लगाने के लिए मंजूरी पास कर दी गई है, वहीं इसकी DPR भी पूरी तरह से तैयार कर दी गई है। आप सभी को साथ ही साथ ये भी इसकी जानकारी बताते चले कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते काफी दुर्गम और काफी कठिन माने जाते हैं। पवित्र गुफा के रास्ते पर भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद रहते हैं। मौसम खराब होने पर भी यात्रा मार्ग बंद रहते हैं, क्योंकि ऊंचे पर्वत पहाड़ों की चढ़ाई काफी ज्यादा दुर्गम और कठिन मानी जाती है। भूस्खलन ना हो इसके कारण यहां पर यात्रा प्रभावित रहती है। पर आप सभी को बताते चले कि प्रशासन ने एक और नई व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए लाई है। यह व्यवस्था रोपवे की है। 9 किलोमीटर का रोपवे बालटाल से पवित्र गुफा तक बनकर तैयार होगा। इसके लिए पूरी तरह से जो DPR है वो बनकर तैयार करा दी गई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका पूरा का पूरा जायजा ले लिया है। साथ ही साथ ये भी खबर है कि देखिए 9 किलोमीटर का होगा रोपवे। रोपवे निर्माण करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। बालटाल से अमरनाथ गुफा के लिए 9 किलोमीटर का रोपवे होगा। इससे 14 किलोमीटर के मार्ग की पैदल दूरी 10 घंटे से घटकर 40 मिनट रह जाएगी। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो जरूरी जानकारी बनती है वो ये है कि अब रोपवे कब तक बनकर तैयार होगा। आप सभी को बताते चले कि इस वर्ष इस रोपवे को, यानी कि अभी 18 रोपवे को मंजूरी मिली है, पर 18 रोपवे में से 3 रोपवे ऐसे हैं जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ में हैं। इस रोपवे को सबसे आगे टॉप लिस्ट में रखा गया है, जो अमरनाथ यात्रा का रोपवे है। लग रहा है कि अगले साल 2025 से इस पर काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 1-2 सालों में 2026 तक ये रोपवे पूरी तरह से कम्प्लीट भी हो जाएगा, जिससे कि बालटाल से पवित्र गुफा की दूरियों के साथ साथ दुर्गम रास्ते भी कम हो जाएंगे और आने वाले श्रद्धालु भी अपनी एक हम यात्रा कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बड़ी जानकारी बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट की बात करें, अगर हम पहलगाम पारंपरिक रास्ता है तो यहाँ की क्या खबर है, तो यहाँ से पंचतरणी से पवित्र गुफा तक पूरी एक भव्य सड़क बना दी गई है। हालांकि और जो रूट है उस पर काम जारी है और पूरी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, पवित्र गुफा की कनेक्टिविटी बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही अच्छी बनाई जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर ये भी है कि देखिए यात्रा के दौरान अब आपको उन दुर्गम पहाड़ों का सामना नहीं करना पड़ता है जिस तरह से अभी आपको 3-4 सालों से पहले करना पड़ता था। अब अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहां पर बहुत ही अच्छे से इस सड़क को बना लिया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जी के आने के बाद अमरनाथ यात्रा पर सबसे अधिक काम हुआ है और जो काम हुआ है वो आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी बताते चले कि अमरनाथ यात्रा रोपवे बन जाने के बाद कई सारे ऐसे तीर्थ यात्री रहेंगे जो दिव्यांग होते हैं, जो चलने में असमर्थ रहते हैं, उनकी भी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी और अमरनाथ यात्रा खराब मौसम यानी कि बारिशों में भी जारी रहेगी। ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक साधन बनाया जा रहा है जो कि आने वाले सालों में आपको पवित्र गुफा पर मिलेगा। आपको कैसी लगी ये जानकारी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताएं कि रोपवे परियोजना सही है या फिर नहीं, प्रशासन को इसे लगाना चाहिए पवित्र गुफा के पास या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। जय श्री अमरनाथ जी। जय भोले।